हम चैप्टर नंबर 12 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। तो एक छोटा बच्चा था, वो अपने आंगन में खेल रहा था। तो उसने क्या देखा कि एक छोटा जो सांप का बच्चा है वो रेंग रहा था, यानी कि धीरे धीरे चल रहा था। सांप जब चलता है तो उसको रेंगना कहते हैं। तो जो एक छोटा सांप का बच्चा था वो रेंग रहा था, वो धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो बच्चा जो था वो खेल रहा था, तो उसने सांप के बच्चे को देखा और सांप के बच्चे ने भी उसको देखा। तो वो डर गया और वो भाग के वहाँ पे एक नारियल का जो खोल था उसमें घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। तो फिर बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने उस नारियल के खोल को उठाया और उसका जो मुंह खुला था उसके ऊपर पत्थर से उसके मुंह को ढक दिया और वो नारियल का खोल लेकर उसकी नानी के पास गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? तो बच्चे ने उसकी नानी को कहा कि देखो नानी मैंने सांप पकड़ा है। तो उसकी नानी जो थी वो डर गई और वो चीखने लगी कि सांप। वो इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। तो जब बच्चे ने उसकी नानी को कहा कि मैंने सांप पकड़ा है तो उसकी नानी डर गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी आवाज़ सुनकर उसके नाना जो थे वो अंदर आए और उनको पता चला कि उस बच्चे ने सांप को पकड़ के रखा है। तो उन्होंने उसके हाथ से नारियल को छीन लिया और फिर उन्होंने दूर फेंक दिया। नन्ना सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो जैसे ही नाना ने वो सांप का खोल जो था वो फेंका, तो जो सांप का बच्चा था वो रेंगता हुआ उसमें से बाहर निकला और झाड़ियों में चला गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो फिर नाना ने उस बच्चे को डांटा कि अगली बार सांप के पास मत जाना, क्योंकि सांप जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है और वो हमें काट भी लेता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। तो फिर उसी दिन शाम को जो बरनामा कीटक था उसको वो लड़का पकड़ रहा था, तो उसने जो लड़के को उंगली में काट लिया। तो फिर वो लड़का जो था वो चिल्लाने लगा। तो सुबह उसने सांप को पकड़ा था, इसलिए उसकी नानी को लगा कि उसने फिर से सांप पकड़ा होगा और उसको सांप ने काट लिया होगा। इसीलिए उसकी नानी जो थी वो चिल्लाने लगी और वो उसके नाना को बुलाने लगी। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। तो नानी जब चिल्लाए तो नाना आए और उन्होंने उंगली को देखा तो वहाँ पे बर ने काटा था, इसलिए उंगली जो थी वो नीले रंग की हो गई थी। तो नाना को भी ऐसा लगा कि जैसे बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसलिए वो उसको गोद में उठा के बाहर की ओर भागने लगे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वो अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने आकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तो जो नाना जी थे वो बच्चे को लेकर गोद में उठाकर भागने लगे। वो कहाँ पे भागे, तो दो तीन खेतों को छोड़ के वहाँ पे दूर एक झोपड़ी बनी हुई थी और वो झोपड़ी के पास गए और उन्होंने वहाँ जाके आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी जड़ फूंक
कर दो। तो नाना ने जब आवाज़ लगाई तो अंदर चौपड़ी के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। वो जो था वो सांप के काटने का मंत्र जानता था और नाना ने उनको कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, अब आप मंत्र बोल के उसका जो सांप का जो जहर है वो निकाल दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। तो जो बूढ़ा आदमी था वो बच्चे को झोपड़ी के अंदर ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने बच्चे की उंगली देखी और उसको बच्चे को कहा कि बिल्कुल आवाज़ मत करना और चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। फिर वो एक पीतल के बर्तन में पानी लाया और उसको उस बच्चे के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं पर बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। मगर वो बच्चा जो था वो जानता था कि उसको सांप ने नहीं पर बर ने काटा है और वो सबको कहना भी चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वो डांट कर कहते, चुप, डर के मारे मैं चुप हो जाता। तो जब वो बोलने की कोशिश करता बच्चा तो उसके नाना जी उसके डांट कर चुप करा देते, इससे वो डर जाता था और वो बच्चा जो था वो चुपचाप बैठ गया। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तो नाना जी जो थे वो बच्चे को लेकर हड़बड़ी में जल्द ही भाग आए थे और उसके पीछे पीछे उनकी नानी भी बहुत सारे लोग लेके पीछे पीछे उनके दौड़ी आई। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ू फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। तो बच्चे को तो सांप ने तो काटा नहीं था, उसको तो बर ने काटा था, इसीलिए कुछ देर बाद जो था उसका दर्द जो था वो कम हो गया था। मगर वो किसी को बता नहीं सकता था और वो लोग जो झाड़ फूँक कर रहे थे वो उसको देख रहा था और जबरदस्ती सब उसको वहाँ पे बैठाए हुए थे। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस बर्तन से बर्तन में जो पानी था उससे उसकी उंगली को धोया और फिर वही पानी उसको पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीली सांप ने काटा था। फिर उस आदमी ने नाना जी से कहा कि अब कोई खतरे की बात नहीं है और बच्चा जो है वो सुरक्षित है और अच्छा हुआ कि आप उसको मेरे पास ले आए। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो सब लोगों को लगा कि वो बूढ़ा आदमी है वो होशियार है और उसने सांप का जहर उतार दिया, इसीलिए सब उसको धन्यवाद देने लगे। और नाना जी भी बहुत खुश हुए और वो उस बच्चे को लेकर घर पे वापस आए और उस आदमी के लिए उस आदमी को धन्यवाद देने के लिए खुश होकर भेंट सौगात देने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इकट्ठी करने लगे। अब बारी है एक्सरसाइज की, कहानी की बात। ये है वो क्वेश्चन है जिसके हमें आंसर देने हैं। नाना मुझे झाड़ू फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो नाना बच्चे को आदमी के उस झाड़ू फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? क्योंकि नाना जी समझ रहे थे कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसलिए मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो वो बच्चा जो है वो बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था कि उसको सांप ने नहीं मगर बर ने काटा है।
जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था और मैंने ऐसा क्यों किया होगा। तो जब सांप जो नारियल के खोल में घुस गया था तो बच्चे ने उसको पत्थर से ढक दिया था। वो इसलिए ढका था ताकि सांप जो है वो बाहर ना निकले। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? नहीं, क्योंकि बच्चे को सांप ने काटा ही नहीं था। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो इसका हम दूसरा भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि झाड़ू फूंक वाला बाबा, या तो फिर देखो सांप आया इत्यादि। ये को जो भी अच्छा इस कहानी से रिलेटेड नाम आपको अच्छा लगता हो वो आप उसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद की एक्सरसाइज है, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। तो कौन से कीड़े डंक मारते हैं? तो बिच्छू है, फिर मधुमक्खी है, फिर केंचुआ है। तो ये जो है वो सारे उनके डंक होते हैं। तो जो डंक वाले जंतु होते हैं इनके नाम आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है। इसी तरह आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। और ये क्वेश्चन आंसर है वो आपको हिंदी की बुक में लिखने हैं। उसके बाद वाला, अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले तो हम क्या करेंगे? तो उसके ऊपर हम नमक लगा सकते हैं, और उसके ऊपर जो लोहे का जो है वो उसको भी हम घिस सकते हैं। फिर किसी को चोट लग जाए तो क्या करेंगे? तो उसके पहले हम उसकी प्राथमिक चिकित्सा करेंगे। पहले उसके घाव को डेटॉल से साफ करेंगे, और अगर छोटा सा घाव होगा और हमारे पास अगर उसकी जो कोई मेडिसिन हमें अगर उसके बारे में पता हो तो वो हमें लगानी चाहिए, और उस पर पट्टी भी बांधनी चाहिए। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो उसको चिकित्सालय भी हम ले जा सकते हैं। किसी को आँख में कुछ पड़ जाए तो किसी के आँख में अगर कुछ पड़ जाए तो उसको हम पानी से धो सकते हैं, अच्छे पानी से धो सकते हैं। किसी को कि नाक में से खून बहने लगे तो उसके सिर पे पानी का छिड़काव कर सकते हैं। फिर उसके बाद की एक्सरसाइज, जरा सोचो तो नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता है? तो कोई भी डिब्बा हो, या पतीला हो, या फिर कोई भी ऐसा बरामदे में ऐसा कोई भी हॉल जैसा कुछ हो, तो कोना हो, ऐसा कोई भी कबाड़ खाना जहाँ पे भी होता है, और ऐसी कोई बिना ढक्कन वाला जैसे डिब्बा हो, तो ऐसी कोई भी कबाड़ खाने की जो भी चीज़ें होती हैं इन सब में जो सांप है वो छिप सकता है। खाली डिब्बा होता है, खाली बोतल होती है, जैसे किसी भी चीज़ में जो ढक्कन वाली चीज़ें होती हैं उस जिसमें सांप जो है आसानी से घुस सकता है, ऐसी चीज़ें में सांप घुस सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? तो उस घर के लोगों ने जो नारियल खाया होगा और फिर खाने के बाद उसको वहां पे फेंका होगा। फिर घर के हिस्से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है, उन पर घेरा लगाओ। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से कुछ वर्ड्स है वो घर से रिलेटेड है। तो जो घर से रिलेटेड है उसके ऊपर हमें गोला लगाना है। तो इस एक्सरसाइज में मैंने घर से रिलेटेड वर्ड्स पे गोला लगाया है। इसी प्रकार आपको भी ऐसे वर्ड्स के ऊपर राउंड करना है। नेक्स्ट में क्या है, क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं हमें उसके अर्थ बताने हैं। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि सांप वहाँ से चला गया। फिर वह चट मुझे गोद में उठाकर
भागे, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तुरंत गोद में उठाकर भागे। फिर अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी कि अब बच्चा ठीक हो गया है, या तो अब बच्चे को कोई खतरा नहीं है, या तो बच्चा अच्छा हो गया है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी, तो नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें सौगात के में भेजी। तो ये जो सेंटेंस है उसके हमें अर्थ लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद की है कैसे कहाँ, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ, अब उन्हें बोलकर देखो। यहाँ पे जो तीन जो निशान है, तो पहला है वो उसको पूर्ण विराम कहते हैं, दूसरा आश्चर्य चिन्ह, और तीसरा जो है वो प्रश्नार्थ चिन्ह। तो जब किसी चीज़ को देखकर हमें कुतूहल होता है तब ये वाला निशान लगता है, और किसी को हमें सवाल पूछना हो तो ये क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है, और जब सेंटेंस हमारा पूरा होता है तो ये पूर्ण विराम लगता है। तो नानी चीख उठी सांप, नानी जो है वो सांप को देखकर चीखी, उन्हें कुतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ, तो यहाँ पे ये वाला निशान आएगा। फिर सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, तो ये सेंटेंस जो है वो पूरा हुआ, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। फिर क्या तुम बाजार चलोगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, तो ये सीधा सेंटेंस है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। फिर तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, तो ये सवाल पूछा गया है, तो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। और आहा कितनी मीठी है, तो यहाँ पे है वो आश्चर्य चिन्ह है। तो ये एक्सरसाइज आपको इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। उसके बाद क्या कहोगे, तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। तो तुम लड़के को निडर कहोगे, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मिला। तो हम बच्चे को क्या कहेंगे, तो नादान कहेंगे, क्योंकि वो नादान था, इसीलिए सांप को नारियल की खोल में लेकर जा रहा था। अगर वो नादान नहीं होता और उसको पता होता कि सांप जहरीला होता है और काटता है, तो वो उससे डरता और उसको लेकर कहीं भी जाता नहीं, इसलिए ये लड़का जो है वो नादान है। और उसके बाद की है जो सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यहाँ धीरे धीरे शब्द को दो बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उससे वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे है चलते चलते, मैं चलते चलते थक गई, या तो थक गया। फिर पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ। फिर इसी तरह से जगह जगह, यहाँ पे जगह जगह गंदगी है। फिर चोरी चोरी, तो चोरी चोरी बागों से आम मत चुराओ। फिर जल्दी जल्दी, तुम जल्दी जल्दी चलो। तो यहाँ पे जो है वो जो है वो वर्ड्स दिए गए हैं, उसके सामने हमें उसके सेंटेंस बनाने हैं, और दो तीन जो है हमें खुद से लिखकर उसके सामने सेंटेंस बनाने हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करना है।